अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मेथी मटर मलाई रेस्टोरेंट स्टाइल, वो भी मेरे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालें आप अपने हिसाब से, और उसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की कट की हुई प्याज और हरी मिर्चें कट करके ऐड करेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं, उतनी हरी मिर्चें इसमें ऐड करें। और इसको हमें अच्छे से भून लेना है, गोल्डन फ्राई कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे हम। देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और इसको भी अच्छी तरह से भून लें ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम काजू ऐड कर देंगे, 7 से 8 टुकड़े काजू के ऐड कर देना है। और काजू को भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब काजू रोस्ट हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 छोटे साइज़ के टमाटरों को कट करके ऐड कर दें और इसे भी भून लें। जब टमाटर थोड़े भून जाए तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। तो टमाटर को हमें गलाना है, जिसके लिए हम इसको कवर कर देंगे लीड से और इसको लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो ये मसाला प्रिपेयर किया है इसको जार में डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा ठंडा कर ले। उसके बाद में इसका फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है हमें। तो अब एक पैन ले लेंगे, इसमें हम बटर ऐड करेंगे। मैं बटर में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल या फिर घी में भी बना सकते हैं, बट बटर में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो बटर को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। देखिए गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 छोटे तेज पत्ते, 1/2 चम्मच जीरा, काली मिर्ची, लौंग, 2 हरी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। और इनको हल्का सा हमें बटर में तड़का लेना है गरम मसालों को। देखिए अच्छे से मैंने इसको तड़का लिया है। अब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। ये मेथी को मैंने वॉश करके अच्छे से कट कर लिया है। ये अभी आपको ज़्यादा दिख रही होगी क्वांटिटी में, बट ये हरी भाजी ज़्यादा दिखती है पर पकने के बाद ये थोड़ी हो जाती है। तो सारी मेथी को ऐड कर देंगे और बटर में हमें फुल फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेना है। और ये मेथी जो बटर में इस वक्त भून रही है तो इतनी औसम खुशबू आ रही है इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और झटपट भी बन जाती है। तो देखिए मेथी आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है क्वांटिटी में, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हमने डाली थी, बट ये पकने के बाद बहुत ही कम हो चुकी है। देखिए मेथी को अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है बटर में। अब जो हमने मसाले को पीस कर रखा था, देखिए इतना स्मूथ बिल्कुल पेस्ट हमें बनाकर रेडी करना है। कोई भी चीज़ इसमें अक्की अक्की नहीं होनी चाहिए। तो सारा पिसा हुआ मसाला हम इसमें ऐड कर देते हैं और जो मसाला बच गया है जार में उसमें पानी डाल के उसको भी वेस्ट नहीं करना है, उसे भी हम यूज़ करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला तो हमारा भुना हुआ है बट फिर भी मेथी के साथ हम इसको भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को लाजमी दबाएँ, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको दिख पाएगी, सबसे पहले मिल पाएगी। तो देखिए मेथी को हमने मसालों में भून लिया। अब 1 कप से ज़्यादा मैंने वटाने लिए हैं, हरी मटर ली है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे।
पाव चम्मच हल्दी, पाव चम्मच मिर्ची। इसमें हल्दी और मिर्ची नहीं डाली जाती है, बट ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ तो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बट डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये रेसिपी। एक चम्मच भर के धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हमने बटर डाला है तो बटर में भी नमक होता है, तो इसलिए आप टेस्ट करके डालें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाले को हम मिक्स करते जाएंगे। इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि ये थिक ग्रेवी होती है, थिक होती है इसकी ग्रेवी, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो आधा ग्लास पूरा इसमें पानी मैंने ऐड किया है। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, एक बॉईल आने दिया है। देखिए बॉईल आ चुका है, तो इस वक्त हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है, क्योंकि मेथी जल्दी पक जाती है और मटर भी हमारे बॉईल किए हुए हैं तो ज़्यादा वक्त इसको नहीं लगता है बनने, बस 5 मिनट में ही ये बन जाएगा। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो है क्रीम। हम मेथी मटर मलाई बना रहे हैं तो मलाई तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डालना। तो इस वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे या फिर बंद कर दे, और आधे कप से ज़्यादा मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। आप घर की जमी हुई ताज़ी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी से हम मलाई को मिक्स कर लेंगे वरना मलाई फट भी सकती है हमारी। देख सकते हैं मलाई डालने से कितना इसका लुक भी चेंज हो गया है और टेक्सचर भी अच्छा हो गया है। तो मलाई को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, और इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी डालना इम्पॉर्टेंट है, कसूरी मेथी डालने से इस डिश का जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अच्छी एक अलग सी खुशबू होती है कसूरी मेथी की जो काफ़ी अच्छी लगती है इस रेसिपी में। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा ही 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इस वक्त मुझे सॉल्ट कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके ऐड कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाए। देखिए 2 मिनट पकाया है, ये इतनी थिक ग्रेवी होती है इसकी, ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये और थिक हो जाएगी। तो कितनी मज़ेदार बनी है हमारी रेसिपी। इसको हम डिश सर्व कर लेते हैं डिश में। देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है, तो इसको लुक वाइज और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इस पर क्रीम डाला है, और थोड़ा सा हम इस पर बटर भी डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी मज़ेदार सी मेथी मटर मलाई बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आप इसको पराठे और राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके आगे चिकन भी फेल है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।